वेलकम इन टुडे क्लास। आज की क्लास में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि घातांकों का नियम हम सीखेंगे। घात का आपस में कैसे गुणा करें ये सीखेंगे। तो ये जो दिया हुआ है 3 की पावर 5 दिया हुआ है, तो इस ये जो नीचे लिखा हुआ है 3, इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक, बेस, बेस मतलब आधार, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो ऊपर दिया हुआ इसको पढ़ते हैं पावर, पावर यानी कि घात, घात पढ़ेंगे इसे। तो देखिए आप, हम इसे कैसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे। 3 की पावर 5, 3 की घात 5 और 3 की घात 4 दिया हुआ। हम देखेंगे कि यहाँ पे बेस सेम है, आधार सेम है और ये पावर अलग अलग है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो जब बेस सेम हो यानी कि आधार जब सेम हो तो आधार को वैसे ही लिख लेते हैं, एज इट इज एक ही लिख लेंगे, और जो ऊपर जो पावर दिया हुआ है उन पावर को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, 5 प्लस 4 यहाँ पे क्या हो गया, 3 की पावर 9, ये हमारा आंसर हो गया। सेम वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बेस आपस में क्या है, सेम है। 2 की पावर 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 की पावर 3 दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे बेस सेम है तो हमने बताया क्या था कि बेस एज इट इज लिख लेते हैं और ऊपर आपस में क्या करते हैं, 5 और 3 जोड़ देते हैं। क्या ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 की पावर 4 दिया हुआ है, 7 की पावर 3 दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप वीडियो पॉज करिए और उसको सॉल्व करिए। अब आंसर चेक करिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 7 हम सेम लिख लेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो बेस हम एज इट इज लिख लेंगे और 4 और 3 आपस में क्या जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 4 3 7, ये आंसर हो गया। अब देखिए इसी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि हार्ड लगे पर ये हार्ड है नहीं, बस ये बक्सन में बदल दिया हुआ लेकिन वही चीज है। यहाँ पे 5/7 की पावर 3 दिया हुआ है, 5/7 की पावर 2 दिया हुआ है, तो दोनों का बेस यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, सेम है। तो 5/7 हम लिख लेंगे और ऐसे लिख लेंगे, एक ही हम लिखेंगे। और ऊपर जो दिया हुआ है ये पावर दिया हुआ है यानी कि जो घात दिया हुआ है ये आपस में जुड़ जाएगा, तो 3 2 5, 5/7 की पावर 5, यही हमारा आंसर हो गया। अब सेम इसी बेस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और उसके बाद सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके उसके बाद मेरे आंसर से आप चेक करिएगा। तो आप चेक करते हैं, देखिए 2/3 और 2/3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बेस जब सेम है तो एक लिख लेंगे बेस, और ऊपर जो 4 और 5 है ये क्या करेंगे, 5 4 9 जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए 2/5 है, 2/5 है, दोनों का बेस सेम है यानी कि 2/5 की पावर 4 गुण है 2/5 की पावर 3, तो ये हम बेस लिख लेंगे सेम, ठीक है, और 4 3 7 आपस में जोड़ देंगे, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए ऊपर तो हमने सीखा था कि जब बेस सेम हो तो बेस एज इट इज लिख लेते हैं और पावर हम आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि 2 की पावर 5 दिया हुआ है, 3 की पावर 5 दिया हुआ है, यहाँ पे बेस तो सेम है ही नहीं, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, दोनों अलग अलग है, लेकिन पावर हम देखेंगे कि सेम है ना, पावर दिखाई पड़ रहा है 5, यहाँ पे भी पावर 5 दिया हुआ है, दोनों का पावर सेम है। तो इसमें क्या होता है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ये 2 और 3 जो होता है वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगा। जब बेस अलग अलग होगा तो नीचे बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर जब सेम होता है तो हम वैसे ही उतार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 6 की पावर 5, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब इसको आप ट्राई करिए, ये सेम इसी तरह का जैसे मैंने ऊपर वाले में आपको बताया था ना, वैसे ही सेम है, ठीक है, आप इसको ट्राई करिए, मैं इसे बाद में बताऊंगा। इसी बेस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे नोट डाउन करके आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, वीडियो पॉज कर लीजिए, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 3 और 5, 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 दिया हुआ है, दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों का बेस क्या दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, ऊपर जो पावर दिया हुआ सेम दिया हुआ है, तो हमने क्या कहा था, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 गुणे 5 और उसका पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 5 दिया 15, ठीक है, 15 की पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह सेम ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको भी आप ट्राई कर लीजिए, इसको भी ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई करिए। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं आपको, 2 की पावर 4 और यहाँ पे 1 की पावर 4 दिया हुआ है, तो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करना है हमें, आपस में 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर देना और पावर लिख लेना है ना। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 2 a की पावर
4 दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप पूरा ब्रैकेट देके लिखिएगा क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। यदि आप ब्रैकेट देके ऐसे सवाल में अगर ब्रैकेट नहीं देते हैं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 4 लिख लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एक ही लिखेंगे। तो कितना हो गया, 4 × 3 = 12 की पावर 5, हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी सेम जैसे मैंने पहले वाले इससे ऊपर बताया है वैसे ही करना है, लेकिन इसमें बस क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 4/3 × 3/5 और ब्रैकेट देके ऐसे लिख देंगे, एक ही पावर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 × 3 = 12, ये 5 × 3 = 15, नीचे वाला ये जो हो गया और ऊपर वाला, 4 × 3 = 12, नीचे वाला 5 × 3 = 15 और ये पावर 3 हमने लिख दिया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी बेस पे ये सेम दिया हुआ है, आप इसे ट्राई करिए, इसी बेस पे कोशिश करिए। ओके, तो अब इसे भी हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2/5 दिया हुआ है, यहाँ पे इनटू का निशान लगा दिया हमने, बाय 2/3, ब्रैकेट में पावर हमने एक ही लिखा, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो मैंने बताया था आपको कि पावर हम एक ही लिखते हैं और बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 × 2 = 4, 5 × 3 = 15, नीचे वाला ये जो देखिए, ये जो आपस में मल्टीप्लाई करेगा, इस टोटल का हमने पावर लिख दिया 4, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप इसी बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अपने बुक से देख के चारों तरफ, कहीं भी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो शायद अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को। आप इसी का डिवाइड सीखना चाहते हैं, भाग सीखना चाहते हैं, पावर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके देख लीजिए। ओके, थैंक यू।